हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। आईटीसी के शेयर में पिछले 5-6 दिनों से जबरदस्त रैली देखने को मिली है दोस्तों, तो उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट नया भी लग सकता है, तो आपको अगर उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें, नया वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो आईटीसी का जो शेयर है वो शेयर आज के अंदर 12 रुपए बढ़ गया और वो 7% की बढ़ोतरी दिखाई इसने एक दिन के अंदर। ये आज सबसे ज्यादा इसी में ग्रोथ दिखाई गई, जबकि मार्केट तो एकदम नीचे ही गिर रहा था, लेकिन इसने बहुत अच्छी इंक्रीज दिखाई। इसके पीछे का रीजन क्या था, आईटीसी का शेयर जो एक टाइम पे ये चल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके स्टेक बेचने वाली है, तो जिसकी वजह से ये क्रेश भी होने लग गया था, वो ही शेयर पिछले 5 दिन से बढ़ता ही जा रहा है। उसके पीछे की जो मेन न्यूज क्या है, तो वो सारी न्यूज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आगे अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर एक फिबोनाची चार्ट होता है, फिबोनाची चार्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रख दिया यहाँ पे, तो इसको आप खुद भी ये वेबसाइट यहाँ पे URL देख सकते हैं, इसमें जाके आप देख लेना कोई भी स्टॉक का फिबोनाची चार्ट आपको बनाना हो। और फिबोनाची चार्ट क्या होता है, क्यों ये किस काम आता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी, और नहीं पता है तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके बारे में नया वीडियो ले आऊँगा। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जो ये मैंने लिया है नवंबर से डेटा लिया है, इसके अंदर नवंबर 2019 से ये डेटा लिया है, तो इसमें आप ये एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब से ये कोरोना वायरस आया है तो ये नीचे गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुका 0.5 पे। ये जो हैं ये कोफिशियंट होते हैं फिबोनाची चार्ट के, ये कोफिशियंट के काम करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं 23%, इसको 38%, इसको 50% बोलते हैं, इसको 61% बोलते हैं, इसको 78%, और जो सबसे टॉप मोस्ट होता है उसको बोलते हैं 100%। इतना ये बेसिक डिटेल है इसके बारे में, और ये कोफिशियंट कैसे आते हैं ये सारी चीज़ें आपको मैं, अगर आपको नहीं पता है तो अलग से वीडियो बना के उसमें बता दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आप देख सकते हो आज का इसका पॉइंट ये वाला है, आज का पॉइंट ये वाला है। तो आगे अगर अपन को फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो ध्यान में ये रखना है कि जो ये पॉइंट है, जो ये लाइन है ये 38% वाली, इस तक अपन को या तो वेट करना है, या इससे नीचे वाली लाइन 26 अगर ये डाउनवर्ड आता है तो या तो इससे नीचे यहाँ तक वेट करना है, या फिर इस लाइन तक वेट करना है। इसके बाद में अगर ये अपवर्ड जाता है तो आप इसके अंदर फिबोनाची चार्ट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके आगे का जो पॉइंट है वो 50% पे। तो तब तक जैसे मैं आपको पहले की डिटेल बताता हूँ, पहले यहाँ पे गिरा तो इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट के आने के बाद गिरा तो लोगों ने देख लिया है कि ये बेरिश मार्केट में जा रहा है, और बेरिश मार्केट में कब तक, यहाँ तक बेरिश मार्केट। अब यहाँ पे भी नीचे गिरा तो इन्होंने देख लिया कि ये जो फिबोनाची का 14% वाला है उसको टच करेगा, तो यहाँ तक 14% तक टच किया। अगर इसका यूज करें तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, इसके बाद में जब ये यहाँ से ऊपर चढ़ा तो ऊपर चढ़ा बुलिश मार्केट में आ गया, तो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि 14% में इसने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही इन्वेस्ट किया ये अप 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 अप, और यहाँ पे जाने के बाद अलर्ट हो जाना, यहाँ पे जाने के बाद अलर्ट इसलिए हो जाना क्योंकि ये 23% फिबोनाची चार्ट वाला पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ऊपर जाएगा या नीचे, अगर नीचे जाता है तो आप अपना क्वांटिटी को बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, उसके बाद में अगर ऊपर जाता है तो उसको सस्टेन भी कर सकते हो। अब ये नीचे गया और जिन्होंने ये चार्ट और ये कॉन्सेप्ट पता था उन्होंने सेल कर दिया, और ये नीचे आया, यहाँ पे आके फिर आपको अलर्ट हो जाना है, आपको देखना ये चार्ट नीचे की तरफ बेरिश मार्केट में जा रहा है या बुलिश मार्केट में जा रहा है। तो ये चीज़ें पर अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको धीरे धीरे ये चार्ट का मीनिंग समझ में आने लग गया होगा। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट पे आपको अलर्ट रहना है, इस पॉइंट पे कल तक या तो टच कर जाएगा या नीचे आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलर्ट रख के आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐसे नहीं है कि ये शेयर भाग रहा है तो आप ले लो, पता नहीं क्या हो जाए आगे। लेकिन इसके पीछे की मेन न्यूज़ क्या थी, कोई भी देखो अब पूरा स्टॉक मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है, इसके पीछे की न्यूज़ क्या थी, क्यों ये इतना 5 दिन में ये ग्रो कर रहा है ये स्टॉक, तो इसकी देखो न्यूज आपको मैं बताता हूँ। इसकी न्यूज मेन थी ये, मेन थी FMCG बिजनेस, जो ये छोटे छोटे किराना का सामान होता है, लाइक नमकीन, लाइक छोटे फूड जो थोड़े दिन में खराब हो जाते हैं उस टाइप के, तो वो सारा सामान आईटीसी का काफ़ी सारा बिक रहा है, वो सामान काफ़ी निकल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो ये इनके जो CEO साहब हैं
संजीव पुरी जो चेयरमैन और एमडी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज बताई है। इन्होंने साफ बोला है कि हम कोरोना कब तक चले इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बिजनेस को हम सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि एफएमसीजी जो ये सेक्टर है, जो आईटीसी का कोर सेक्टर है, वो काफी ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से बहुत डिमांड आ रही है किराना के सामान की और इन चीजों की, जिसकी वजह से आईटीसी की जो शेयर है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। और आपको ओनली आईटीसी का ही नहीं, आप गोदरेज का शेयर देख लीजिए, गोदरेज जो एग्रो शेयर है, गोदरेज एग्रो शेयर है, वो भी आज 2 पॉइंट समथिंग% आज बढ़ा है। तो उसका रीजन क्या है? वो भी एज एफएमसीजी बिजनेस पे बेस्ड है। जितने भी अब मान लो, कुछ ऐसे नहीं है कि सारे ऊपर के, जैसे कोलगेट है, तो कोलगेट भी है तो एफएमसीजी, लेकिन एफएमसीजी में भी जैसे कोलगेट है ना, उसको लोग, उसका बिजनेस नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से उसका स्टॉक आज गिरा भी है और पिछले दिनों से गिर ही रहा है कोलगेट का स्टॉक। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लोग अब किस चीजों की तरफ जा रहे हैं। मार्केट क्यों जाता है उधर? क्योंकि वहां पे लोगों की डिमांड है। इस जो स्टॉक की डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये इसका बिजनेस चलने लगा है। कोरोना वायरस में भी लोग किराना का सामान ला रहे हैं और इसका बिजनेस चल रहा है, ये सीएमडी ने माना है, और ये आपको क्वार्टर के रिजल्ट में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको है ना, जो मैंने ऊपर फिबोनाची वाला चार्ट बताया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। और ये सारी इस आईटीसी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया कि क्यों ये शेयर ऊपर भाग रहा था, ये सारी जानकारी इसके बारे में थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो नीचे एक लाइक का बटन है, वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नई नई चीज़ों के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।